आपके स्क्रीन पर ये एक ब्रेकिंग खबर चल रही है। एजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है, सोने और कच्चे तेल के वायदा कारोबार पर ट्रेड लिमिट लगाई गई है। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज ने ये ट्रेड लिमिट लगाई है, ये एक अपडेट आपके लिए। इसमें कुछ पर्टिकुलर कमोडिटी पर ये ट्रेड लिमिट लगाई हुई है 12 अप्रैल से। चलिए अब कुछ और भी अहम खबरों की तरफ चलते हैं। सरकार भारत को गैस ट्रेडिंग का हब बनाने की तैयारी कर रही है और भारत ग्लोबल कंपनियों को गैस स्टोरेज मुहैया कराएगा। इसके लिए टेंडर भी बुलाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश बताइए। देखिए, जैसा कि हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, नई सरकार गैस सेक्टर के लिए कुछ बड़े कदम उठा सकती है और इसके पीछे का मकसद ये है कि पेट्रोलियम मंत्रालय का ये प्लान है कि भारत को इंटरनेशनल गैस ट्रेडिंग हब के तौर पर स्थापित किया जाए, खासकर साउथ ईस्ट एशियन मार्केट है उसको ध्यान में रखते हुए, और उससे संबंधित एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और इस मसले पर कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने एक प्रेजेंटेशन भी पेट्रोलियम सचिव ने दिया है। जो प्रस्ताव है उसके हिसाब से भारत के पास वो तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तमाम पोटेंशियल्स हैं जिसके आधार पर इंटरनेशनल गैस ट्रेडिंग हब के तौर पर स्थापित किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एलएनजी टर्मिनल्स है, रीगैसिफिकेशन फैसिलिटीज है, प्रस्तावित गैस स्टोरेज फैसिलिटीज है, रिटेल नेटवर्क है, लिहाजा ऐसी कोई कमी नहीं है ताकि इंटरनेशनल गैस ट्रेडिंग के तौर हब के तौर पर भारत को स्थापित न किया जा सके। लिहाजा प्लान ये तैयार किया गया है कि अगले 5 साल के दौरान कम से कम साउथ ईस्ट एशियन मार्केट के लिए गैस इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब के तौर पर स्थापित किया जाएगा। और इसके अलावा जो प्रस्तावित गैस स्टोरेज फैसिलिटीज है वो काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगी, क्योंकि अभी कह रही थी क्योंकि जो योजना है उसके हिसाब से सरकार ये चाहती है कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो भारत में आएं और जो गैस प्रस्तावित गैस स्टोरेज फैसिलिटीज हैं उसका इस्तेमाल करें। रेंटल बेसिस पर इसको मुहैया कराया जाएगा और वो यहाँ से गैस की सप्लाई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को कर सकती हैं। तो ये प्रस्ताव किया गया है, इसके इस मसले पर चर्चा की शुरुआत भी की गई है और ONGC, OIL और GAIL जैसी जो कंपनियां हैं वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं गैस स्टोरेज फैसिलिटी स्थापित करने के लिए, और उसके लिए जो टेक्निकल एडवाइजर्स है उसकी नियुक्ति के लिए टेंडर भी इन्वाइट कर दिया गया है और उसके बाद जो ग्लोबल बिड है वो इन्वाइट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए गैस ट्रेडिंग हब बनाने की योजना और ग्लोबल कंपनियों को गैस स्टोरेज यहाँ पर मुहैया कराएगा भारत। चलिए एक बड़ी खबर, इस पर और अपडेट हम आगे लेते रहेंगे, डेवलपमेंट पर नजर रहेगी। एक छोटे से ब्रेक लिए